Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for this particular subject, that is marketing management for your exam of ESIC Deputy Director position. I know, students, that the notification is not out, but we have to be very consistent in our preparation because notification kabhi bhi aa sakti hai. आपने देखा कि अनु सर हमेशा कहते रहते हैं कि प्लीज लगातार पढ़ते रहिए, आरबीआई सेबी की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, बट स्टूडेंट्स नहीं सुनते हैं एंड देन फिर जब अचानक से नोटिफिकेशन आ जाती है देन फिर आप परेशान होते हैं बिकॉज सिलेबस काफी ज्यादा पेंडिंग रह जाता है. सो इन दीज सीरीज ऑफ सेशंस व्हिच आर हेल्ड ऑन एवरी सैटरडे एट 2 PM आई यूजुअली कवर 5 questions ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जहां पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स नहीं बताता हूं, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूं सो दैट यू हैव 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं. इफ यू कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज दीज सेशंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. वो कहते नहीं है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो भले हफ्ते में एक सेशन होते हैं बट अगर एक सेशन भी आप कंसिस्टेंटली अटेंड कर रहे हैं, यू आर वॉचिंग दीज सेशंस ऑफ माइंड, तो एटलीस्ट आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट पे जो आपका कोर एरिया नहीं है उस पे एक अच्छी लेवल की पकड़ बन जाएगी. ठीक है, सो डू सब्सक्राइब सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट. ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, उस पे लगातार अपडेट्स आती रहती हैं अबाउट सेशंस, अबाउट फ्री PDFs एंड वीडियोस, तो आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से शुरू करते हैं. पहले बता दूं कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो दिस पर्टिकुलर सेशन इज गोइंग टू बी वेरी एप्लीकेशन बेस्ड सेशन बिकॉज अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इतना कुछ समझ लिया है, इतने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, तो अब आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए रेडी हैं. ठीक है, सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट, बट यहां पे आपको बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. स्वच्छ भारत अभियान इज एन एग्जांपल ऑफ. अब हम सबने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना हुआ है, हमें बताना है कि जो स्वच्छ भारत अभियान का इतना प्रोग्राम चलाया गया था, इतनी उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, ये किस तरीके की मार्केटिंग है. दैट इज दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट. इज इट सस्टेनेबल मार्केटिंग, इज इट सोशल मार्केटिंग, इज इट सर्विसेज मार्केटिंग, और इज इट रिलेशनशिप मार्केटिंग. जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, तब तक मैं आपको ये चारों कॉन्सेप्ट्स दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स. रिलेशनशिप मार्केटिंग कब होती है, जब आप कस्टमर्स के साथ अपने ब्रांड की एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं. आपने हमेशा देखा होगा कि आपकी लोकैलिटी में 3-4 वेंडर्स हैं, लेट्स से ए बी सी एंड डी, बट कोई एक वेंडर होता है जो इन 4 वेंडर्स में से आपका फेवरेट होता है. नॉट जस्ट बिकॉज कि वो प्राइस आपको सस्ता दे रहा है, भाई प्राइस तो सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम ही दे रहे होंगे, ठीक है, बट प्रोबेबली बिकॉज ए का जो बिहेवियर है, जिस तरीके का इसका सर्विस डिलीवरी का सिस्टम है, दैट इज वंडरफुल. प्रॉब्ली ये आपको कहता है कि सर आप चिंता मत करिए, आप बस फोन करके मुझे ऑर्डर दे दीजिए और मैं घर पे डिलीवरी करवा दूंगा. नाउ दिस इज हिज वे ऑफ बिल्डिंग हिज ब्रांड एज वेल एज बिल्डिंग हिज रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स. तो ये मतलब होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग का. सर्विसेज मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, बहुत ही सिंपलिस्टिक टर्म. जब आप सर्विसेज की मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा कि आपको आए दिन कॉल आते रहते हैं कि सर आप इंश्योरेंस की सर्विस लेना चाहते हैं क्या, ठीक है सर हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेना चाहते हैं क्या. सो वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज जिनकी मार्केटिंग की जाती है ताकि आप इन सर्विसेज को अवेल कर सके. ठीक है, सोशल मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मार्केटिंग होती है जब आप किसी सोशल प्रोजेक्ट को या फिर सोशल कॉज को प्रोमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. लेट्स से आपने देखा होगा कि बहुत सारे सैनिटरी पैड्स के ऐड आते हैं जहां पे वो कहते हैं कि दैट इफ यू आर परचेजिंग दिस पर्टिकुलर सैनिटरी पैड सम परसेंटेज ऑफ द इनकम इज गोइंग फॉर द गर्ल चाइल्ड्स एजुकेशन. ठीक है, मतलब फीमेल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए इन पैसों को लगाया जाएगा. तो बेसिकली वो क्या मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक सोशल कॉज मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे या फिर उनको इम्पावर करेंगे. ठीक है, व्हाट इज सस्टेनेबल मार्केटिंग, सस्टेनेबल मार्केटिंग इज द प्रमोशन ऑफ दोज ब्रांड्स या दोज प्रोडक्ट्स विच आर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल. ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, सच एज प्लास्टिक, यूसेज ऑफ प्लास्टिक हो गया, कोई भी प्रोडक्ट जो प्लास्टिक से बनता है. वेरस बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स देख रहे हैं जो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, कम से कम पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं एनवायरमेंट के अंदर. तो वो उन सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना, उन सारे ग्रीन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना जो एनवायरमेंट के लिए सस्टेनेबल है, एनवायरमेंट को ज्यादा एनवायरमेंटल डैमेज नहीं करते, दैट इज व्हाट सस्टेनेबल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट. ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में आता है कि भाई आप ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदिए जो कम से कम प्लास्टिक का यूज करते हैं, या ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए जो कम से कम एनवायरमेंट को नुकसान करते हैं. ठीक है, ऑल दोज मार्केटिंग एलिमेंट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सस्टेनेबल मार्केटिंग.
ठीक है। अब आपको बताए कि स्वच्छ भारत अभियान किस चीज पे बेस्ड था, एक सोशल कॉज पे बेस्ड था, किस चीज पे, कि भाई हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन और हेल्दी रखें, ठीक है, दिस इज अ सोशल कॉज। सो देयरफॉर द वेरी कन्विंसिंग आंसर इज गोइंग टू बी सेकेंड, दैट इज सोशल मार्केटिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यही आंसर दिया होगा कॉमेंट सेक्शन में, जैसे कि मैं देख भी पा रहा हूं, और आपको ये चारों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ध्यान रखिएगा इन सेशंस का ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना है, क्वेश्चन और आंसर तो आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मास मार्केटिंग। सबसे पहले मास मार्केटिंग रिवाइज कर लेते हैं। मास मार्केटिंग वो होता है जहां पे एक तरीके का स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मतलब उसमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है, एक बार वो प्रोडक्ट बना दिया गया, ठीक है, तो वही सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ टारगेट ऑडियंस। फॉर एग्जांपल अगर आपने टूथपेस्ट बना लिया है, ठीक है, तो यही टूथपेस्ट सारे लोग इक्वली यूज कर सकते हैं, मास मार्केट में इसको स्प्रेड कर दिया जाएगा, एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू कंज्यूम दिस पर्टिकुलर टूथपेस्ट ओनली। ऑफकोर्स इसके वेरियंट्स बनाए जा सकते हैं, बट ये सारे के सारे ऑडियंस को, मास ऑडियंस को एक साथ केटर करने के लिए क्रिएट किया गया है या फिर मैनुफैक्चर किया गया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मास मार्केटिंग का फीचर नहीं, ठीक है। फर्स्ट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल स्कोप फॉर कस्टमाइजेशन, ये तो बिल्कुल ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर कस्टमाइजेशन का स्कोप बिल्कुल नहीं रहता है क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है। डील्स विद कस्टमर्स डायरेक्टली, दिस इज इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि जब वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, आप खुद सोचिए कि जब इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शंस नहीं है, स्पेसिफिक फीचर्स नहीं है जिनको कस्टमर को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल लेट से कल को आप जाते हैं और आप कोई लेट से आप वॉशिंग मशीन लेते हैं, ठीक है, जब आप वॉशिंग मशीन लेते हैं तो क्या होता है कि आपको उसके फीचर्स, आपको उसका यूसेज या बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सीखने पड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब देर इज सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू बी टॉट, ठीक है। बट अगर आपका वो मास प्रोडक्ट है, ठीक है, जो सबको कॉमनली यूज करते हैं, लेट से टूथपेस्ट वंस अगेन, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली कस्टमर से डील करने की जरूरत ही नहीं है, आप नॉर्मली इसको किसी आउटलेट पे दे सकते हैं, किसी रिटेलर को दे सकते हैं और वो उसको कस्टमर्स को सेल कर देगा, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करने की जरूरत नहीं, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। बट बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नॉर्मली फॉलोड इन केस ऑफ एफएमसीजी एंड एसएमसीजी व्हिच इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड एंड स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज भले ये फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है, बट इनके केस में आप मास मार्केटिंग यूज कर सकते हैं बिकॉज कस्टमर्स इनको कंज्यूम कर लेंगे एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। उसके लिए कोई स्पेशलाइज फंक्शन या कोई स्पेशलाइज एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, तो ये भी ठीक है बिल्कुल। रिलाइज हैविली ऑन एडवर्टाइजिंग, अब देखिए लोगों को बताने की तो जरूरत है ना, अवेयरनेस तो क्रिएट करने की जरूरत है कि भाई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेयरनेस है ऐसे प्रोडक्ट की, या आप लोगों को एज अ कस्टमर इन प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस है कि नहीं, तो इसमें काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। बट कस्टमर से क्योंकि हम डायरेक्टली डील नहीं करते हैं, सो देयरफॉर दिस इज नॉट गोइंग टू बी द फीचर ऑफ मास मार्केटिंग, ठीक है। आई होप आपको मास मार्केटिंग भी समझ में आ गया और आपको इसका करेक्ट आंसर भी समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है प्लीज हेजिटेट मत करिएगा, प्लीज गिव मी अ कॉमेंट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द CRM स्ट्रैटेजी, CRM इज योर कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग अडॉप्टेड बाय बिग बाजार इन इंडिया इज ऑल अबाउट। अभी मैंने आपको बताया था आज का सेशन प्रैक्टिकल होने वाला है, सो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है कि अगर कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में बात करें, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फर्म आज फॉलो कर रही है बिकॉज दे वॉन्ट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर। देखिए कोई भी सक्सेसफुल ब्रांड, कोई भी बड़ा ब्रांड अगर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करता तो वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता या फिर लॉन्ग रन में बड़ा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आज आपके कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज, दे आर नॉट, यू हैव नॉट बिल्ड रिलेशनशिप विद देम, तो वो कल आपके पास दोबारा नहीं आएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी लॉयल कस्टमर्स टू यू, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू बिल्ड लॉयल्टी, इन ऑर्डर टू बिल्ड ब्रांड, इन ऑर्डर टू बिल्ड रिलेशनशिप, काफी सारी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि बिग बाजार कौन सी CRM स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है, ठीक है। इज इट फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम, इज इट क्लब मेंबरशिप प्रोग्राम, इज इट स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप प्रोग्राम, और इज इट एक्सपीरियंशियल रिलेशनशिप प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई मस्ट से ऑन द बेसिस ऑफ CRM, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको आंसर आता है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। टिल द टाइम मैं आपको इन चारों कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से क्लैरिटी दे देता हूं। एक्सपीरियंशियल रिलेशनशिप प्रोग्राम, हर टर्म को एग्जांपल से रिलेट करने की कोशिश करिए। लेट से आप किसी होटल में रह के आते हैं, बहुत सारे होटल्स में आपने अपनी फैमिली के साथ गए होंगे तो आपने रियलाइज किया होगा कि कई जगह क्या होता है कि वो सिर्फ आपको रूम प्रोवाइड करते हैं, वेयर एज कई जगह आपको क्या मिलता है, यू गेट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। द वे
दे आर ट्रीटिंग यू, जिस तरीके की हॉस्पिटैलिटी आपको मिलती है कि भाई जब आपको जिस टाइम पे कोई भी सर्विस चाहिए, रूम सर्विस चाहिए, वो आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है, और जब आप बाहर निकलते हैं तो यू रियलाइज कि यार सिर्फ मुझे कमरे में होटल में खाना और सोना या रहना नहीं मिला था, मुझे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मिला था, जो मेरी हॉस्पिटैलिटी मुझे प्रोवाइड की गई थी, दैट वॉज अमेजिंग। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल रिलेशनशिप प्रोग्राम क्या होता है, जो कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, दैट इज क्लियर आई होप। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप प्रोग्राम। अब देखिए, रिलेशनशिप प्रोग्राम तो आपको पता है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर, जो उनका मार्केटिंग का सिस्टम है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया। स्ट्रक्चर बिल्ड करने से का क्या मतलब है, दे हैव ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, एक स्ट्रक्चर बना लिया है कि लेट्स से एक कस्टमर है जो हमारे साथ 5000 रुपए की सेल करता है साल के अंदर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 20% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, लेट्स से कोई 10000 रुपए की सेल करता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेट्स से 15% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, सो व्हाट एवर इट बी द काइंड ऑफ परसेंटेज, ठीक है, 5000 पे 5% का हो सकता है और 10000 पे 15% का हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या है, व्हाट इज द बेसिक फंडा हियर, कि आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है इन ऑर्डर टू बिल्ड रिलेशनशिप। इसके अंदर ये भी होता है कि भाई जब आपके बर्थडेज आते हैं, जब आपके एनिवर्सरीज आती हैं, तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको केक्स भेजे जाते हैं, बहुत सारी फर्म्स ऐसा करती हैं। ठीक है, बट ध्यान क्या रखना है कि रिलेशनशिप जो है वो एक स्ट्रक्चर में इम्बेड कर दिया गया, उन्होंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में ये स्ट्रक्चर डाला हुआ है, स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, पूरा प्रोसेस बना रखा है, इसके बेसिस पे वो उसके साथ आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करें। ठीक है, क्लब मेंबरशिप प्रोग्राम। अब देखिए, ये तो बहुत ही फेमस है, स्पेशली कोविड के टाइम पे बहुत फेमस था, कि जो भी बड़े बड़े टूर्स एंड ट्रैवल बिजनेसेस थे, ठीक है, ये आपको बुला रहे थे और आपको कह रहे थे कि भाई हमारे साथ आप मेंबरशिप ले लीजिए। इन मेंबरशिप का आपको क्या फायदा होगा, मुझे भी बुलाया गया था इसलिए मुझे आइडिया है। ठीक है, बहुत सारे महाराजा होटल्स जो थे, हिल्टन ग्रुप्स थे, इनके साथ टाई अप किया हुआ था इन टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों ने, और ये क्या कह रहे थे कि आप हमारे साथ एक मेंबरशिप में जुड़ जाइए, जहां पे आपको लेट से एक इनिशियल पेमेंट करनी पड़ेगी ऑफ लेट से 2 लाख रुपीज, और इसके बाद क्या होगा, आपको 5 साल के लिए एक मेंबरशिप की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, एक फीचर प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पे आप 5 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली 150 दिन या 100 डेज, थोड़े से वेरी करते हैं स्कीम द्वारा, ठीक है, बट 100 डेज और 150 डेज आप किसी भी होटल में जाके रह सकते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स 5 साल में ईयरली कैपिंग भी कुछ होती है, बट बेसिक आइडिया क्या है कि आप उनको मेंबर्स बनाएंगे और मेंबर्स बना के उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे इन ऑर्डर टू बिल्ड वंडरफुल रिलेशनशिप। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या बड़ी चीज हो गई, इसमें बड़ी चीज ये हो गई कि कई कई स्कीम्स के अंदर आपका फूड स्पॉन्सर्ड होता है, ठीक है, आपका ट्रैवल स्पॉन्सर्ड होता है, और कहीं कहीं पे आपका पिक एंड ड्रॉप भी स्पॉन्सर्ड होता है। तो ये बेसिकली मेंबरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, जहां पे आपको मेंबर बना के रिलेशनशिप बिल्ड की जाती है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपना कस्टमर बना लिया गया। ठीक है, अब अगर मैं बिग बाजार के बारे में बात करूं, तो बिग बाजार क्या यूज करता है, बिग बाजार यूज करता है फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम। फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम का क्या मतलब होता है, कि आप उनके रेगुलर कस्टमर बन जाएं, आप बहुत फ्रीक्वेंटली उनसे प्रोडक्ट परचेज करें। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो पॉइंट सिस्टम का इस्तेमाल करता है, वो आपको हर परचेज पे कुछ पॉइंट्स देता है, उस पॉइंट्स के बेसिस पे आपको कहता है कि अगर आप दोबारा आएंगे, आपके एक पॉइंट एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंच जाते हैं, तो वो रिडीमेबल है। इसकी वजह से क्या होता है, उन पॉइंट्स के चक्कर में, डिस्काउंट लेने के चक्कर में, या उस पॉइंट्स को रिडीम करने के चक्कर में, आप दोबारा जाके बिग बाजार से परचेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस इज देयर फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम, सो दैट यू बिकम अ रेगुलर कस्टमर एंड यू फ्रीक्वेंटली परचेज फ्रॉम बिग बाजार ओनली। ठीक है, तो 1 और A इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टेलीमार्केटिंग, जिसको हम टेलीफोनिक मार्केटिंग भी कहते हैं, इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड एलिमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स सी द ऑप्शन। वायरल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, अभी पढ़ के आए हम सोशल कॉजेस के लिए जब मार्केटिंग की जाती है। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है बीच में, ठीक है, यू आर डायरेक्टली रीचिंग आउट टू द कस्टमर्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। रिलेशनशिप मार्केटिंग, जहां पे आप रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। एक जो टर्म है यहाँ पे जो चैलेंजिंग है थोड़ी सी, वो है वायरल मार्केटिंग। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस वायरल हो जाती है इंडिविजुअल्स की, ठीक है, इंडिविजुअल्स अपने अकाउंट से वीडियोस डालते हैं, या इंस्टाग्राम की अगर आपने रील्स देखी हो, आई एम श्योर आप सबको पता ही है, ठीक है, वो वायरल हो जाती है। इसी तरीके से कई बार कंपनीज कोशिश करती हैं कि उनका कोई प्रोडक्ट वायरल हो जाए। लेट्स से किसी कंपनी ने कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लिया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ लेट्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई रिवोल्यूशन आया, किसी कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना लिए या कुछ एडवांस टेक्निक को डेवलप कर लिया, ठीक है,
तो अब वो क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचानी इस चीज को, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, उसकी मार्केटिंग करनी है, तो वो क्या करते हैं, दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। वन इज योर ऑर्गेनिक वे। एक तो क्या होता है कि बिना कोई पेड प्रमोशन किए, बिना कोई पैसे लगाए, ऑर्गेनिकली, जो कि जनरली कम होता है, आपकी वीडियो वायरल हो जाती है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जहां पे पेड फॉर्म इस्तेमाल करके, जिसको हम इनऑर्गेनिक फॉर्म भी कहते हैं, पेड फॉर्म का इस्तेमाल करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो को वायरल कर देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सके। एक एग्जांपल जो मुझे अभी याद आ रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है कि कार्स को टेस्ट किया जाता है बर्स करके, भिड़ा के टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे कार्स के ब्रांड है, अभी मैं एग्जैक्ट नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, बट बहुत सारे कार के ब्रांड है, वो क्या करते हैं कि वो जब भी कोई नया मॉडल निकालते हैं तो कार की ड्यूरेबिलिटी के लिए वो एक कार को दूसरे कार से भिड़ाने की कोशिश करते हैं या दीवार से भिड़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी दिखाने के लिए कि अगर बाई चांस कल को कस्टमर का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे किसी का हो, बट अगर हो जाता है तो वो कार कितना उस इंसान को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। और कई बार ऐसी वीडियोस वायरल हो जाती है। अभी रिसेंटली मैंने आई थिंक टाटा के ब्रांड की एक वीडियो देखी थी जहां पे वो वायरल हो गई थी बिकॉज द कार गॉट डिसरप्टेड, ठीक है। तो इसी तरीके से काफी सारे वायरल मार्केटिंग वीडियोस का इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग करने के लिए, ताकि ये सारी चीजें कस्टमर तक जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा टारगेट कस्टमर्स तक पहुंची जा सके, ठीक है। सो दीज आर द फोर एलिमेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब क्योंकि हम टेली मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, जहां पे क्या होता है कि किसी बैंक से आपको कॉल आता है और कहा जाता है सर हमारे पास एक ऑफर आया हुआ है, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ठीक है, या सर हम आपको लोन दे रहे हैं, प्लीज लोन ले लीजिए एट द मिनिमम इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट किया जा रहा है टेली मार्केटिंग की जरिया, टेलीकॉल की जरिया, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डायरेक्ट मार्केटिंग। कोई इंटरमीडियरी नहीं है जो बीच में एक्ट कर रहा है, इसलिए टेली मार्केटिंग जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एज वेल एज द ऑप्शंस आल्सो। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मार्केटिंग मायोपिया कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग रिफर्स टू डैश। अब मायोपिया आपने सुना होगा, ये एक बीमारी होती है जो बेसिकली आई में होती है, ठीक है। तो मायोपिया में क्या होता है कि आपको इस बीमारी का एक और नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। इसका क्या मतलब है कि आप पास की चीजें तो अच्छे से देख पाते हैं बट दूर की जो चीजें होती हैं वो आपको ब्लर दिखती हैं, ठीक है। मतलब आप पास की चीजें बहुत आसानी से देख पाएंगे बट अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, दूर की चीजें आपको देखनी है ड्राइव करते समय, तो आप वो नहीं देख पाएंगे या ब्लर दिखेंगी थोड़ी सी, ठीक है। तो मार्केटिंग में भी इस टर्म का इस्तेमाल किया गया है। आई होप अगर आपको ये मायोपिया के बारे में पता है तो आपको इसका जवाब बिल्कुल आता है। जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। अ नैरो परसेप्शन ऑफ मार्केटिंग एंड द शॉर्ट साइटेड व्यू ऑफ बिजनेस। द वैल्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। वैल्यू क्या होती है, ठीक है, कि कस्टमर कितनी कॉस्ट इनकर कर रहा है, ठीक है, और कितनी उसको बेनिफिट मिल रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं या एडवांटेजेस मिल रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज द वैल्यू कंसेप्ट। आप कितनी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं कस्टमर के लिए। लेट्स से कस्टमर जो प्राइस पे कर रहा है वो पे कर रहा है 500 रुपीज, और जो भी फीचर्स के टर्म्स में उसको बेनिफिट मिल रहे हैं वो उसको लगता है कि यार ये तो 300 के ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसने वैल्यू जनरेट करी, जो वैल्यू निकल के आई दैट इज 200 बट इट इज नेगेटिव, तो उसको यहाँ पे क्या लगा कि यार मेरा तो नुकसान हो गया, मेरा तो कट गया बेसिकली, कि भाई 200 रुपए मैंने ज्यादा पे किए और मुझे जो प्रोडक्ट मिली है उसकी मुझे वैल्यू 300 रुपए से ज्यादा की लगनी थी, ठीक है। सो वैल्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या होता है कि आप कस्टमर्स के लिए वैल्यू जनरेट करें, तो एक्चुअली ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली कोशिश ये करनी चाहिए कंपनीज को कि वो पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करें, ठीक है। सोशल मार्केटिंग आपको पता है, जब आप किसी सोशल कॉज के लिए मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि अभी हमने स्वच्छ भारत अभियान का एग्जांपल देखा था। ग्रीन मार्केटिंग, जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। फॉर एग्जांपल, आप बिलबोर्ड्स लगाने की जगह, बड़े बड़े बैनर्स लगाने की जगह, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गोइंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग आप करने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो गए। आई होप आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। होता क्या है कि कोई भी बिजनेस मार्केटिंग मायोपिया की सिचुएशन से तब सफर करता है जब उसका जो टेक होता है, जो ओरिएंटेशन होती है अपने बिजनेस की तरफ, वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड होती है। क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म होराइजन के बारे में नहीं सोचते कि यार 10 साल डाउन द लाइन कैसे करना है, कोशिश करते हैं कि यार शॉर्ट टर्म में पैसे बना के निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे ब्रांड्स को देखा होगा कि थोड़ी सी मार्केटिंग करते हैं, बिजनेस पॉपुलर हो जाता है, उसको बेच के निकल जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट साइटेड अप्रोच फ्रॉम देयर फ्रंट एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये 5 questions के अंदर जो 4-4 options है इनको अच्छे से explain कर दूं ताकि आपको 100% conceptual clarity आ जाए, and मैं उम्मीद करता हूं कि आ गई होगी। Still अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी concept नहीं समझ में आया, please feel absolutely free to let me know in the comment section ताकि मैं आपकी query को resolve कर सकूं।
दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई है इस वीडियो से, प्लीज डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.